गाइस, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ हैशटैग द ब्लू माइक। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्जी मिश्रा, और आज मेरे साथ दो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लोग यहां पर जुड़े हुए, क्योंकि इनका नाम भी यही कहता है, अभिषेक टैलेंटेड। यू नो द नेम इटसेल्फ स्पीक्स अ लॉट। बट हु डू आई हैव विद मी टुडे, कैसे रहने वाली इनकी म्यूजिकल जर्नी, कहां से शुरुआत हुई, कहां तक पहुंचे, ये सारी बातें जानेंगी आज आप मेरे साथ इन हैशटैग द ब्लू माइक विच सेलिब्रेट्स independent artist out there along with Hangama app. So hey guys, welcome to the show and please introduce yourselves. Hello Nisha, this is Amol. This is Amol Srivastav. And hi Nisha, hi, this is Abhishek. As you mentioned, talented. So yeah. No, matlab Abhishek, this is quite a unique way of introducing to someone ki Abhishek talented hai bhai. Matlab pehle declare kar diya humne. Iske piche kya raaz hai, ye naam aisa likha gaya? Nisha, there is a story actually. You know, this name was given by me by the school authority. I mean, the school I was in, I was fairly good in studies. I cracked IIT and left it for music. So, and I used to sing, dance, do elocutions, spelling bee, sab kuch hi karta tha. So, I mean, ek dafa aise ho gaya, announcement mein kisi ne bol diya ki call that talented guy. So that stuck, and the school started telling it everywhere. So I started with rap, right? तो रैप कल्चर में ना आपको एक नाम चाहिए होता है जो लाउड हो, जो स्टेज नेम हो ना आपका, कि मतलब लोगों का अट्रैक्शन जाए उस पॉइंट पे। सो स्टक बाय देन एंड टच आउट बॉलीवुड तक आ गया वो नाम। सो या गोस बाय, बचपन से ही टैलेंटेड है। यस, बचपन से ही टैलेंट, क्या बात है। तो अमोल, आप दोनों अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे, लाइक हाउ आर यू गाइस कोऑर्डिनेटेड विद द म्यूजिक एंड ऑल? बेसिकली मैं मुंबई आ गया था आफ्टर डूइंग 10th, तो मैं बहुत छोटी उम्र में मुंबई आ गया था। उसके बाद आई वॉज यूज टू गिव ऑडिशंस एंड ऑल। तो एक दफा मैं और अभिषेक दोनों कोइंसिडेंसली सेम टाइम पे मीट ब्रदर्स के स्टूडियो में गए थे ऑडिशन देने, और हम लोग बाहर निकल के बोलते हैं कि व्हाट यू डू, तो ही सेड कि म्यूजिक करता हूँ। मैं ही म्यूजिक करता हूँ। तो फिर हम लोग एक दिन मिले, और उसी दिन हम लोगों ने सेम डे 3 गाने बनाए, और बहुत अच्छे गाने बने थे। सो वी थॉट कि ये एक गुड सिग्नल है और साथ में कुछ शुरू करना चाहिए। You guys are giving me a feeling of Karan Johar movie, यार। मतलब ऑडिशन देने गए, फिर वहां पे दिन में कोई मिला, मैंने कहा तुम क्या करते हो भाई, मैं म्यूजिक बनाता हूँ, तुम क्या करते हो, मैं भी म्यूजिक बनाता हूँ, चलो इसी बात पे 3 गाने बना देते हैं। It is cinematic, Nisha. You know, I mean, कहते हैं ना कि गाना बनाने में ना there is a time constraint कि कितना भी time लग सकता है। It's art, right? ये कोई आपको force करके नहीं बना सकता है। And we have seen people working 7 days, 10 days on a song. And जब हम बैठे थे गाने पे, हमने 3 गाने के मुखड़े like lock किए थे एक दिन में। And that was a big thing. That was we couldn't. I mean, I was meeting Amol for the first time. He was meeting me for the first time. And फिर भी वो vibe आना और वो गाना बनना, तो it was a ऊपर वाले का signal. So you know, whatever he says. So. So moving up, guys. You just said that you came down for an audition and the journey begins from there. So, एक moment होता है life में जब हम ये सोचते हैं कि यार मुझे सिर्फ यही करना है. As you said, you also joined up in IIT and then मतलब एक IIT को छोड़कर उसके बाद एक music करना. It's not an easy task always in life to say कि मुझे ये करना है. When did you guys actually realize this कि music ही है जिसमें आगे बढ़ना है? मेरे लिए बचपन से मेरा goal तय था कि मुझे music ही करना है. मतलब I was in 3rd standard जब मैंने रियलाइज किया कि मुझे म्यूजिक ही करना है, तो एक शो में मैंने गाना गाया था। हाँ, yes. मैंने एक प्रोग्राम में फैमिली फंक्शन में गाना गाया था बेसिकली, तो वहां पे सब लोग ने कहा कि यार तुमको तो म्यूजिक ही करना चाहिए। तो तब से जो होता है ना म्यूजिक का जुनून, कि अब तो मुझे जो भी करना है सिर्फ म्यूजिक में ही करना है और कंपोजर और सिंगर ही बनना है। तो तब से मेरा गोल सेट था कि जो भी करना है बॉलीवुड में आके म्यूजिक में करना। ओके, हाउ अबाउट यू? सो my dad is a musician. My dad is in police, but he plays drums and all the rhythm things. So he's a musician. My mom used to sing. So genetically, तो कहीं ना कहीं था. लेकिन मेरा interest was studies. I used to love physics. I used to love engineering. I used to love science. Like that was my main focus. मैं 10th, 11th, 12th मैंने सिर्फ IIT और IIT और सिर्फ IIT के ही सपने देखे थे. And meanwhile, जब मैं तो मैं you know all these years when I started doing studying, एक time ऐसा आया when I cracked IIT, but I lost interest in being an engineer.
बिकॉज आई स्टार्टेड राइटिंग देन. मैं मैथ्स के पन्नों के पीछे, वो आर डी शर्मा इनके किताबों के पीछे मैं ना सिर्फ लिखते 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 रहता था. एंड लिसनिंग म्यूजिक एंड इवॉल्विंग दैट, मेकिंग ट्यून्स, वो मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट देने लगा. अल्टीमेटली व्हेन आई, सो आई हैड टू लाइक प्रूव माई सेल्फ फर्स्ट, राइट? मॉम डैड अलाउ तो मतलब आई मीन वो तो हमेशा ही सपोर्टिव रहे, लेकिन मुझे भी था ना कि आई हैव टू प्रूव देम. तो फिर जब आई आई टी क्रैक हो गई तो आई स्पोक टू माई डैड कि पापा मुझे म्यूजिक करना है. एंड ही वॉज लाइक, फिर क्यों इतनी मेहनत इधर क्यों कर रहे थे इतने सालों से, राइट? सो ही वाज लाइक कि ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली ही हिमसेल्फ बीइंग अ म्यूजिशियन, सो ही नोज, उनको भी वो कीड़ा है बॉम्बे का और म्यूजिक का और फिल्म का वैसा. तो ही वाज लाइक फाइन, ठीक है, इफ यू वांट टू डू इट, बिकॉज ही हैज सीन मी एज अ सिंसियर स्टूडेंट. जब मैं पढ़ाई भी करता था, आई मेड श्योर दैट यू नो, आई मीन सुशांत वॉज माई स्कूल मेट. ही इज फ्रॉम द सेम स्कूल आई एम फ्रॉम, पटना. Okay. So and एक ओलंपियाड है जिसमें भाई को, भाई was 9th rank in his year. I gave the same ओलंपियाड and I was 11th rank. So I've given the same ओलंपियाड too. So I was that much into studies, but then you know music evolved and touchwood it blasted at around some say 2017-16 and from then I thought of like let's do music because this is everything that I want right now. क्या बात है, क्वाइट इंटरेस्टिंग गाइस. सो आज एक मैसेज जो आप उन दोनों को देना चाहेंगे अपनी तरफ से, उनके लिए मतलब उनको जितना उनको थैंक यू बोला इस चीज के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए, सही जगह पे मतलब पहुंचाने के लिए जितना उनको थैंक यू बोला है. और इतनी अर्ली एज में मतलब जब मैं थर्ड क्लास में था तभी पूरी फैमिली ने डिसाइड किया था कि म्यूजिक करना है. कोई पेरेंट्स नहीं करता है मतलब इतनी छोटी उम्र में, कोई भी इतना बड़ा. और मुंबई मतलब इतने छोटे शहर से, आई एम फ्रॉम शिवपुरी, स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश, तो वहां से मतलब इतने बड़े शहर में 10th पास आउट होके लड़के को भेजना जो कि सिर्फ 16 ईयर्स ओल्ड है, और अकेले उनको मतलब रहने देना, परमिशन देना ही बहुत बड़ी बात है. और वो तो खुद से मतलब छोड़ने आए थे और सारी चीजें, तो यार उनको जितना थैंक यू बोले और जितना उनको मतलब इट्स अ ब्लेसिंग. और इसी ब्लेसिंग पर आप लोगों को अपना पहला गाना अगर याद आ रहा है और अगर आप उसे हमारे लिए गुनगुना दे तो. यस, सो वी रिलीज अ सॉन्ग called Takinana from our label Musive, and we'll play that song to you. Tum se mile hai to ye ehsaas hai, sapno mein dekha jaise ek khwab hai, humne duaen mangi kuch khwahishein bhi. तुझ में ही कुदरत मेरी दुआ की छड़ी थी, भीगी जैसे हवा गुजरी करके मुझको फना, ख्वाहिशों की हो रोशनी तू मेरे गम की दवा, हता के नैना नैना नैना, 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 तेरा चेहरा रुहाना, हता के नैना नैना नैना, हता के नैना नैना नैना. क्या बात है, अमेजिंग गाइस, अमेजिंग. यू नो, गिविंग अप योर जर्नी, ऑडिशन के दरवाजे के बाहर खड़े रहने के बाद से लेकर अब एक ऐसी जगह पे रहना जहां आप बॉलीवुड के सितारों के साथ काम कर रहे हैं, हाउ डज दिस मेक यू फील गाइस? मतलब एक वो दरवाजा जहां खुद को प्रेजेंट करना था और एक वो दरवाजा आप खोलते हैं जहां आप कहते हैं आर्टिस्ट सर आप आइए एंड वी विल सिंग विद यू टुगेदर. इट फील्स लाइक अ ड्रीम, देखा है बिहाइंड द सीन्स में और इन्हें होते हुए मीडिया इंटरव्यूज में, ऐसे इंटरव्यूज में सारे आर्टिस्ट को ये हमने सिर्फ देखा है, राइट? ये जब हमारे पास हो रहा है ना, ये बस ड्रीम लगता है. इट फील्स लाइक कोई हमें पिंच करे बोले इट्स रियलिटी, यू नो, इट्स 80%. It's 80% of the time that we feel the same, you know, every time we are awestruck, you know, ki yaar, I mean, touch wood, we are here. We are finally working with these people. Yaar, humne bahut dhakke khaye. Yaar, jis bhi singer ke saath hum log kaam kar rahe hain, unke gaane sun sun ke bade hue. Bade hue hain, yaar. Inke gaane, matlab hum to janam bhi nahi lete, jab se inke gaane hit hain. ट्राई कर रहे हैं, छोड़ दो, सबके साथ आगे काम करने हैं यार, इट्स लाइक. और बहुत निशा, आई मीन एवरीथिंग, व्हेन वी सी दैट पास्ट लेन ना, वो जो मेमोरी का फ्लैशबैक आता है, यू नो, हम और अमोल ऑन आर स्कूटी
हम हर दिन 10-12 प्रोडक्शन हाउसेस के पास जाते थे एंड दरवाजा बंद मुंह पे राइट यू नो एक चीज जो कॉर्पोरेट में बहुत अच्छी से चलती है आपको पता है mail us will get back to you kabhi they never got back to us they never got back to us right so wo 2.5 saal har jagah we have gone to every place every studio every label went across hum log actually routine ban gaya tha 10 baje jana hai 8 baje aana hai aur scooter leke bas jana hai हमने ना एक कसम खाया था कि हम ना हर दिन जितना ज्यादा रिजेक्ट होंगे उतना बेहतर गाना बनाएंगे रात को आके। हम रोज सुबह निकलते थे 10-11 बजे, हम रात को 8 बजे घर आते थे, दिन भर वड़ा पाव पे रहते थे और रात को आके ना हम गुस्से में, क्योंकि यार दे टॉक गार्ड्स एंड ऑल वो इतने गंदे तरीके से आपको बाहर करते हैं ना कि आप आंखों से आंसू आ जाएगा, पर वो आंसू को कंट्रोल करके ना रात को आके लिख के भी वो यूज़ हम लोग एकदम बेशरम बन के हम लोग रोज फिर भी आते थे कि कभी तो कुछ होए, मतलब कभी तो वो हमारे साथ वो किस्मत वाला चीज हो। देखिए लोग अपने कर्म करने के बाद क्या कुछ नहीं पा लेते हैं और यहाँ तो हमारे साथ कर्म ही जुड़ चुके सर। हाय कर्म, कैन वी हैव यू ऑन द स्क्रीन विद अस प्लीज। हाय हाय निशा, हाय अभिषेक, हाय अमोल। मेरा नाम करम सोला है एंड आई एम 19 इयर्स ओल्ड एंड आई हैव बीन रिलीजिंग म्यूजिक सिंस लाइक 3 इयर्स। 2019 में मैंने अपना पहला गाना निकाला था एंड उससे मुझे काफी अच्छा रिकॉग्निशन मिला एंड सिंस देन आई हैव जस्ट बीन वर्किंग ऑन न्यू म्यूजिक एंड मेकिंग यू नो आर्ट। एंड उससे पहले मैं 2-3 साल मतलब मैं म्यूजिकली हमेशा कनेक्टेड रहा हूँ। मैं उससे पहले इंस्टाग्राम पे कवर्स बनाता था बॉलीवुड सॉन्ग्स के एंड एवरीथिंग। आई जस्ट यूज टू पोस्ट कवर्स, दैट्स हाउ आई थिंक मोस्ट म्यूजिशियन स्टार्ट। बट एक पॉइंट पे फिर आई रियलाइज कि ये भी कर सकता हूँ मैं एंड फर्स्ट मेरा गाना ही कोलैबोरेशन थी, सो दैट रियली हेल्प मी अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है मेरे पास ये भी पोटेंशियल है एंड देन तब से बस I've just been making music. क्या बात है, quite interesting. तो करण क्या आप कोई अपना गाना आज हमें सुनाना चाहेंगे जिसे हम भी सुनकर enjoy कर सकें आपकी piece of music and art को please? Okay, इस गाने का नाम है For You और ये this is for somebody special. It was a birthday gift actually and yeah this is called For You. सपना तो काश खत्म न हो ये रातें, तेरे लिए ही गाने बना रहा, तू ही तो जिसकी मैं जिद पेड़ा, मैं कर दूँ सब कुछ तुझे देखने के लिए, तुझ में ही रह खत्म न हो ये रातें। क्या बात है, क्या बात है। So guys, what do you have to say about his song? Amazing Karan. I guess you have a really good voice and that's raw. Most important is that's raw and the amazing factor is you're not copying anyone. When we dub singers today, most of the time it is like they try to copy all the lead singers, and that's the worst part. And one thing, but then Nisha, what I heard from him was he started uploading covers on Instagram and stuff. We have discovered and gave songs to many singers from Instagram for film. Now these guys are having their film releases very soon. Like they are singers from I don't know which part of country. We just found them on Instagram and on YouTube and just from the covers, you know, just from the hashtags and all. And they are singing for big films now. So it's a very good step. I tell all the artists, you know, all the singers. Ek to sabse zyada scratch gao, no matter what the composer is, jitna zyada aap unke liye gao. And jitna zyada ye covers upload karo, logo ko tag karo, logo tak pahunchao. Because everyone is looking for that new voice, I'm telling you. Every composer is looking for that new voice. That new texture.
we need that originality, and that's quite amazing. Yeah, that's why like I'm मतलब मैंने ऐसे covers करना छोड़ नहीं दिया. I still keep doing covers because मतलब वो एक side है music की जो मैं छोड़ना नहीं चाहता because that's what I started with. So I don't wanna leave my roots, right? So any kind of a question you have in your mind, Karm, that you want to really ask Amol and Abhishek there as they are with us today? Yeah. So there's this one question I have. How do you guys go ahead with collaborations? Like how do you, because you're in the industry now, so like how do you keep those connections? See, working on collaboration for now, as we are doing films, non-films and web series and all the OTT content that's coming up. Films ka toh, it's all about the script that comes up. I mean, script ki jaise demand hogi. And we are one of those composers who really push new singers from all across the, I mean, the peripherals of India. We definitely do that. For new film, for a music video and all, we do collaborate with all the singers. I mean, you know, whether it be singers from the industry, singers out from the industry, singers who are trying, we love to. I mean, Hamara Ye Gaana texture. Yeah, Hamara Ye Gaana Takleef Hai. We did with Amit Mishra. There's a girl from Patna. It's Ritika. She sings really beautiful, and she was an Indian Idol, I guess, Little Masters or something. So we gave that song to her and she has done a fab job on it. So really up to collaboration, really up to looking good artists all across the India. So thank you so much, Karm, for being with us. It was great knowing you, and we really wish you all the best in the music which is coming forward. Thank you so much, Nisha. Thank you, Amol. Thank you, Abhishek. Yes. Thank you so much. Take care, brother. Take care. Bye-bye. Thank you guys for acting as a big bro for them. So what do you think? Ki hum agar independent music ki baat karte, how has it been traveling? कहीं ये खो गया था जो अब वापस आपको लगता है कि अब जो इतने आर्टिस्ट हैं या बिकॉज नाउ द प्लेटफॉर्म्स हैव रियली बीन ग्रोइंग वी हैव प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब एग्जैक्टली मोर मोर म्यूजिक नाउ हाउ डू यू सी दिस इनिशियली ना व्हेन देयर वर सिंगर्स देयर वर वेरी लेस स्पेस फॉर देम राइट दूरदर्शन था राइट रेडियो था और कुछ नहीं था इसके इन दोनों के अलावा इफ यू हैव टू हियर अ सॉन्ग आइदर यू बाय कैसेट एंड लिसन टू इट और यू प्लग इन टू अ रेडियो और यू प्लग इन टू दूरदर्शन राइट ये जब प्लेटफॉर्म्स आने शुरू है ना दिस ओटीटी व्हाट वी कॉल देम सावन हंगामा आईट्यून्स हंगामा लाउड आर्टिस्ट अलाउड इन सब के कारण जो न्यू एज साउंड और न्यू एज इंडी आर्टिस्ट है वो आज बहुत बड़े हैं बहुत बड़े हैं ऑल दीज पॉप स्टार्स आर बिगर देन इवन फिल्म स्टार्स टू आई कैन अनडाउटेबली लाइक इवन पॉप स्टार्स आर बिगर देन इंडियन बॉलीवुड सिंगर्स टू बिकॉज ऑफ द रीच एंड बिकॉज ऑफ ऑडियंस एक्सेप्टिंग इट ऑडियंस पहले भी एक्सेप्ट करती थी स्पेस नहीं था हम कहाँ गाने सुनाएं वो चीज है आज आपको पता है आप खुद सोलो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपके गाने आ जाएंगे एंड इफ इट इज अ गुड सॉन्ग वो सामने आ जाएगा इसी बात पर एक गाना आप लोगों का भी हो ही जाए द सॉन्ग इज कॉल्ड बसेरा सो इट्स अ लव मेलोडी एंड सो द थिंग रिटन वाज मतलब जो लिखा जा रहा था वो ये था कि पूरे संसार को छोड़ दो मेरा दिल तुम्हारे लिए यू नो इट्स तुम मेरे दिल में आके बस सकते हो Like my dil, my heart is, yeah, my, mere heart mein tum basera kar sakte. That was the song. Oh, Bab re, Rab ne mere, kyun tujhe se milaya, jaise koi rishta hoya, tumse koi nata, oh, saathiya mere, तुमने किया है जो रिहा मुझे सपनों के बादल में ओ माहिया मेरे तुमसे बसी है सारी ख्वाहिशें मुझको समेटे हुए मेरी दुआओं का बसेरा है तुमसे ये कह रहा तुमको बसा दूं तू ही है दिल का किनारा है तेरा सहारा जो खुद को संभालूं मेरी दुआओं का बसेरा है तुमसे कह रहा तुमको बता दूं तू ही है दिल का किनारा है तेरा सहारा जो खुद को संभालूं क्या बात है गाइस एक और ऐसा है गाना वन ऑफ योर फेवरेट्स लगते तेरे नखरे प्यारे मन क्यों परेशान रहे सुनी तू लगे हड्डी वासी ने ते बार करे लगते तेरे नखरे प्यारे
मन क्यों परेशान रहे, सोनी तू लगे हड्डीवा, सीने पे वार करे, फीवर मुझ पे चढ़ गया है, तनु बीमार कर गया है, कोल तू आगे सीने लग जाके हाल बेहाल कर गया है, या हबीबी Ya Habibi, inna lak illa al-Habidi, dahima wa hila al-Habidi, amharabuli. Dube tu pyaar mainu apne hazaar baby, sone e nakhre hai dil te karar baby, middle east pe dilli sawar aur dilli ki baahon mein dil be karar baby, rachi hai plan do dil ko milana hai, bana ye gap is gap ko mitana hai, middle east mein bass bhi badha denge, dance hai pop ye to top wala gana hai. क्या बात है, amazing. So, वैसे हबीबी वहाँ पे कहा ही जाता है बड़े प्यार से. In fact, a person whom you love so much, and I'm sure these guys, ये जितने गाने आपने हमारे लिए गुनगुनाए, we are definitely going to be following more in the love and the melody of the song out there. So, thank you so much, guys, for doing with us. Thank you. I had fun. Hope you guys also had fun along with it. Thank you so much, Nisha. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you so much, everyone.